कि अपना ऑफिस का काम खत्म करके मैं आ गया घर, और ऑन द वे में मैं सोचा कि एक बार सिनेमा हॉल जाना है मेरे को टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि भाई पठान तो एक बार देख के जाना ही है, मतलब देखने जाना ही है एक्चुअली। आजकल सबसे कीमती चीज़ जो हम लोगों का है वो हो रहा है हमसे चोरी। क्या चीज़? वो है हम लोगों का टाइम। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन में, और AI ऐसे बनाया गया है कि हम लोगों का टाइम सबसे ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, और हम लोगों का माइंड को वो पढ़ सकता है, ऐसे पढ़ता है हम लोगों को जो दिखना चाहते हैं, हम लोग रील्स में वही दिखाता है, हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं वो दिखाता रहता है, और हम लोगों से टाइम चोरी हो जाता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉम्प माइसेप्स। मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि अगर हो सके तो इससे थोड़ा सा दूर रहो तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा डिटॉक्स करना भी अच्छा होता है रील्स वगैरह से, थोड़ा सा सोशल मीडिया से, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अभी उठता हूँ, आज काम नहीं करके सो के पड़ा हूँ, अभी उठता हूँ, उठ के रेडी होता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है, एक बार 10 बजे तक मेरे को जाना है बाहर, तो अभी उठता हूँ। सो नींद से उठ के बहुत सारा काम बाहर का ख़त्म करके, अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं आ गया घर, और ऑन द वे में मैं सोचा कि एक बार सिनेमा हॉल जाना है मेरे को टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि भाई पठान तो एक बार देख के जाना ही है, मतलब देखने जाना ही है एक्चुअली। 400 करोड़ का मार्केटिंग किया है, मतलब सोच लो कितना तगड़ा मूवी हुआ है, और वो मूवी मैंने नहीं देखा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैं सोचा कि सिनेमा हॉल जाने से अच्छा मैं घर में ही खरीद लेता हूँ टिकट्स वगैरह, लेके आराम से शाम को जाऊँगा, क्योंकि मैं बेकार का टिकट खरीदने के लिए वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ पे भी टिकट्स मेरे को अपना हिसाब से नहीं मिलेगा। सो इसलिए मैं छोड़ दिया, जब ऑनलाइन में फैसिलिटी मिल रहा है तो क्यों जाके वहाँ पे लाइन देके खरीदना। फिलहाल यहाँ पे उतना तो लाइन नहीं होता हम लोगों का कोलकाता की तरह, लेकिन फिर भी एक मतलब अपना हिसाब से मैं सीट चूज़ करके मैं टिकट बुक कर सकता हूँ, तो वो जैसा फ़ायदा है वहाँ जाके रिक्वेस्ट करना, भैया मेरे को ये सीट दो, मेरे को वो सीट दो, लेकिन यहाँ पर किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना, अपना हिसाब से चूज़ करो, पेमेंट करो, कन्फर्म हो जाए। सुबह से मैं फास्टिंग में हूँ, बेसिकली कुछ खाया नहीं, अभी भी कुछ नहीं खाऊंगा, नॉर्मली जूस वगैरह कुछ पी लूँगा, पी के अपना पेट को खाली रखूँगा, एंड उसके बाद दोपहर को एक ही बारी में लंच करूँगा। अभी ये पेट को थोड़ा सा ठीक करना है, इसीलिए मैं ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। सुबह जैसे कि मैंने AI के बारे में बता रहा था, सो AI बेसिकली एक तगड़ा चीज़ इन्वेंट किया है, वो है कि जो लोग सिंगिंग प्लेटफॉर्म में या तो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म में हो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो है कि आप कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो उसको लिखो, लिखने के बाद उसको डाल दो वो प्लेटफॉर्म में, उसके बाद वो साउंड म्यूज़िक के साथ वो निकलेगा, मतलब वो गाना बन जाएगा। मतलब AI दिन ब दिन कितना डेवलप होते जा रहा है, और मतलब ये चीज़ देखो एक तरह से अच्छा है, एक तरह से बुरा भी है, लेकिन अभी कितना बुरा है कितना अच्छा है वो आने के बाद ही उसको पता चले। अगर ये AI आपको चेक करना है तो गूगल में जाओ, गूगल LM सर्च करो, आपको मिल जाएगा ये AI। अभी टेस्टिंग मूड पे है, अभी टेस्ट चल रहा है, जब भी वो कंफर्म हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा। एक वीडियो YouTube मार्केट पे आ चुका है, जाओ जल्दी उसको देखो, देख के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा कि खराब लगा, कैसा लगा। एक्चुअली इतना वीडियो पेंडिंग है, सब कुछ मैंने नॉर्मली सेव करके रखा है, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके अभी अपलोड करना, जैसे कि अभी एक अपलोड कर दिया और थोड़ी देर के बाद और एक अपलोड कर दूंगा, और आज मेरे को टिकट्स मिल गया है, 8:15 का शो है। सो अभी मैं एक्वेरियम को क्लीन करता हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है। सो ये रहा मेरा एक्वेरियम जिसका पूरा पानी गंदा हो चुका है, सो अभी इसको क्लीन करना पड़ेगा मेरे को, सो अभी इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। मेरे को कैमरा का अच्छा वाला ट्राईपॉड ख़रीदना है, मेरे को इसका जो ट्राईपॉड था जो मैं हैंडल से इसको पकड़ता था वो वाला एक्चुअली ख़राब हो गया है। मैं सस्ता वाला लोकल वाला ख़रीदा था करके वैसा हुआ, मेरे को एक अच्छा वाला खरीदना होगा मेरे को, क्योंकि कैमरा को पकड़ना अभी मैं हाथ से नॉर्मली पकड़ता हूँ, सो मेरे को ट्राईपॉड रहेगा तो और भी अच्छे से मैं पकड़ सकता हूँ। मेरे को एक गोरिल्ला ट्राईपॉड ख़रीदना है जो कि करीबन 2000-3000 के करीब आता है, वो वाला होने से सबसे अच्छा बेस्ट ये रहता है, एक्सपीरियंस रहता है पकड़ने का। सो मेरा एक्वेरियम हो गया है क्लीन, पूरा अभी चमक रहा है, जैसे गंदा पानी होके रखा था
अभी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया है। अभी देखो सब नीचे आके तैर रहा है। थोड़ी देर पहले ये लोग ऐसा ऊपर में था, ये जगह में घूम रहा था, अभी सब यहाँ पे आ गया। मतलब पानी बहुत ही क्लियर हो चुका है और ये लोग आराम से अपना घर में तैर सकते हैं। मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा ऑफिस का काम है, फ़ोन आया, थोड़ा सा मैं ख़त्म करके जल्दी जल्दी घर लौटता हूँ पीयू को लेके। फिर लंच करना है, फिर थोड़ा बहुत सिंपल पित्तू सा थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म हो जाएगा तो सारा काम ख़त्म। और व्लॉग आ चुका है, व्लॉग देखो, ऑब्वियसली व्लॉग देखे बिना मत जाना। मैं पीयू को लेके घर में आया, तगड़ा लंच किया, फिर पीयू को छोड़ने गया, घर में आके तगड़ा नींद में चला गया। इसमें गलती जो है वो मेरा नींद का है। सो मैं इतना गहरा नींद में चला गया कि मेरे को पता नहीं 2 घंटा में कहाँ पे बिता दिया। अभी उठ के बोलता हूँ भाई मेरा 8 बजे का शो है, उससे पहले मेरा ऑफिस का काम है, गेस्ट मीट है, सो वो जाना है। तो गेस्ट तो आके कॉल करेगा, मेरे को बता ही दिया था पहले। एंड अभी मेरे को काम ख़त्म करना होगा जो रात का खाना पका के जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रात को खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। सो अभी नींद खोलते ही मेरा मतलब मैं बोला अरे भाई मैं तो प्लान करके दूसरा रखा था, मेरा सब काम में पूरा पानी चला गया, नींद में डाल दिया। सो अभी खाना वगैरह पका लेता हूँ, नहीं तो रात को खाना ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे 9:30 के बाद भाई खाना ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है अंदमान। मेरा कोलकाता नहीं है कि रात को 1 बजे भी जाओ मेरे को खाना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 बजे तो खाना मिलने वाला नहीं है। 9:30 से पहले आपको कहीं पे खाना जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो घर में खाना रख के आप जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा टास्क। सोच रहा हूँ एक बार मूवी देखने जाने से पहले एक बार शेविंग करना ज़रूरी है, बस शेव कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा सैलून जाना पड़ेगा, इसको शेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाके शेव कर लेता हूँ। पहले घर में खाना वगैरह पका लेता हूँ, शेव करके एक ही बारी में गेस्ट मीट करके आ जाऊँगा। तो बार बार जाना, तेल खर्चा, ये खर्चा, फिर भी यहाँ पे तेल का दाम सस्ता है, एक चीज़ अच्छा है कोलकाता, ये ज़्यादा तेल होता तो एक साथ सुबह निकालता और रात को आता, ऐसा करना पड़ता। मेरे को अभी भी याद है जब मैं यहाँ से कोलकाता गया था और पहला दिन जब मैं बाइक लेके निकला और तेल डालने के लिए पेट्रोल पम्प गया, मैं तो शौक। यहाँ पे देखता हूँ मैं 86-88 ऐसा पेट्रोल का दाम चलता है और वहाँ जाके देखा 110-115, मेरा तो फटके हाथ पे आ गया, मतलब बाप रे बाप इतना महंगा। फिर जाके बोला नहीं भाई मेरा अंदामान ही सही है, मेरे लिए बहुत सस्ता है भाई पेट्रोल का दाम, धराधर में भरता हूँ, धराधर उड़ाता हूँ, घूमता रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलकाता में भाई 100 रुपये का तेल, 1 लीटर तेल 100 रुपये, वो भी अभी 100 रुपये नहीं मिलता, 110 रुपये हो गया, मतलब कितना महंगा सोचो। कोलकाता जब मैं जाऊँगा तभी मेरे को एक ईवी खरीदना पड़ेगा, या तो ईवी 4-व्हीलर या तो ईवी 2-व्हीलर, कोई भी एक तो मेरे को खरीदने को वहाँ पर जाना पड़ेगा, या एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को तो ईवी यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर तो पेट्रोल यूज़ नहीं करता। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पेट्रोल यूज़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को ईवी चाहिए। दीवाना है ये दिल,
मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन मैं जब भी किचन में रहता हूँ, खाना वगैरह पकाता हूँ, मैं ऐसा ही करता रहता हूँ। सो मैं सोचा कि आज थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर कॉपीराइट क्लेम मारते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं दिखा दिया। मैं इंजॉय करता हूँ वही मैं सिर्फ दिखाया, और कुछ नहीं। मेरा और अलग से कोई मोटिव नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट मैं इंजॉय करता हूँ वही मैं दिखाया। स्पेशली तो ये गाना को मैं दिल से इंजॉय करता हूँ, दिल से। तो अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ हो गया है, काम ख़त्म। अभी मैं जाऊंगा गेस्ट मीट करने, उसके बाद पीयू को लेके घर आऊंगा। सिर्फ ड्रेस चेंज करूंगा, क्योंकि ऑफिस का ड्रेस पहना रहूंगा, इसलिए वो चेंज करूंगा। फटाफट रेडी होके फिर मैं निकल जाऊंगा शो देखने के लिए। लेकिन जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना आसानी से नहीं, शायद से कहीं पे फंस भी सकता हूँ। सो इसीलिए अभी निकलता हूँ। अभी भी मेरे हाथ में 2:15 है, अभी 6 बज रहा है, 8:15 का शो है, 2:15 है मेरे पास, लेकिन फटाफट निकलना पड़ेगा उसके लिए। हम लड़के लोगों का क्या होता है कि कहीं पे घूमने जाना है, एक ऊपर पहनो एक नीचे पहनो, काम खत्म। लेकिन ये देखो मैडम जी को देखो, उसको अभी एक स्लीप ये चाहिए, उसको अभी एक ड्रेस चाहिए, स्लीपर बोल रहा हूँ, एक ड्रेस चाहिए जो अमेजन से ख़रीदा, वो अभी कहाँ पे रखा भूल गया, और अभी उसको वही चाहिए। दूसरा बहुत सारा है, अभी ये पूरा ये में भर के है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको वही उसको ये चाहिए, से क्या बोलता है, स्लीप चाहिए। एक फुल स्लीप खरीदा था टोपी वाला, तो वही उसको चाहिए। जब भी मूवी देखने जाऊंगा वो पहन के। अच्छा, वो मूवी वाला ड्रेस है क्या? अच्छा देखो कहाँ पे रखा पता नहीं, एक जगह में 10-12 बार ढूंढ लिया, उसके बाद भी उसको नहीं मिला। मैं एक फटका हाथ मारा, मेरे को मिल गया ये वाला, उसका पहनने वाला टी शर्ट मेरे को मिल गया। इसलिए मैं घर को उतना संभाल के नहीं रखता, मेरे को पता है कि कहाँ पे मेरा सामान है, मैं ऐसे ही छोड़ के रख देता हूँ। जहाँ पे मेरा सामान है एक फटका हाथ मारूंगा मेरे को मिल जाएगा। सो मैं हो गया हूँ पूरा रेडी, पीयू भी हो गया है पूरा रेडी, और हम लोग आज रेड रेड दोनों, वो भी रेड मैं भी रेड, और जाते पठान देखने। कैमरा को घर पे छोड़ के जाता हूँ, बेफिजूल का ये कैमरा मतलब कैरी करना बेकार है मेरे लिए, क्योंकि हॉल के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं करेगा। सो मैं अपना फ़ोन कैरी कर रहा हूँ, ब्लॉग तो फ़ोन में बनाऊँगा, शॉर्ट ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना, उसमें भी इतना अच्छा होता अगर हम लोग कैमरा कैरी कर सकते थे अंदर, लेकिन अभी थिएटर में कैमरा अलाउ नहीं होता है। फर्स्ट टाइम एकदम शो शुरू होने से पूरा शाम खाली खाली होटल में आके बैठे। सो जस्ट अभी हम लोग लौटे और टाइम 11:30 के करीब कुछ हो रहा है, और मूवी तो भाई तगड़ा मूवी था, VFX सॉलिड था, बॉलीवुड है करके स्टोरी तो रहेगा ही ऑब्वियसली। एक छोटा सा क्या बोले थे, पेट्रियोटिक एक स्टोरी है इसके अंदर, और थोड़ा सा फैमिली टाइप भी स्टोरी है इसके अंदर, लेकिन मूवी भाई तगड़ा था। अभी बॉलीवुड को मालूम चल गया है कि उसको क्या बेचना है, क्या दिखाना है सबके सामने। मतलब पूरा जैसे मैं देख रहा था एक मतलब आयरन मैन जैसा फील, उसके बाद मतलब एक मतलब पूरा एक अलग ही पूरा स्टूडियो, एक स्टूडियो के अंदर जो मूवी होने से कैसा होता है, जैसे हम लोग मार्वल वाला मूवी देखते, कोई एक्शन वाला हम लोग सीन देखते, वैसा सेम पूरा एकदम फील तगड़ा लगा मेरे को मूवी भाई। सो अभी हम लोग खाते खाके सो जाते हैं, क्योंकि मूवी देख के आए तो थक गए ऑब्वियसली। सो रेस्ट करते हैं अभी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं कल विथ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अच्छा वाला ब्लॉग के साथ। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।